सो हे गाइस, दिस इज फ्री फायर योद्धा। आप सभी लोग को पता होगा यार कि फ्री फायर में इंडियन वर्जन वापस आ रहा है। और यार इसके साथ साथ गाइस, ये गेम तो वापस आ गया है, लेकिन अब आप सभी के मन में काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। कुल मिला के बस इतना कहूंगा कि यार ये हमारा ओल्ड फ्री फायर वापस आ रहा है। अब ऐसा इसलिए कह रहा हूँ गाइस क्योंकि इस गेम को आने के बाद हमारे काफी सारे ओल्ड प्लेयर्स जो कि फ्री फायर को छोड़ दिए थे वो वापस आ जाएंगे। अब ऐसा कैसे होगा आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। एंड फ्री फायर इंडिया के आते ही गाइस आप सभी के मन में काफी सारे क्वेश्चंस भी आए होंगे। बेसिकली मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ यहाँ पे टाइम लिमिट के बारे में जो कि फ्री फायर में इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाया गया है, एंड मनी स्पेंडिंग लिमिट, एंड तीसरा एब्यूसिव लैंग्वेज, चौथा हम लोग बात करेंगे टॉक्सिटी रिपोर्टिंग मैकेनिज्म के बारे में, पांचवा कोलैबोरेशन के बारे में, छठा एज लिमिट रेस्ट्रिक्शन, जी हाँ गाइस एज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस किया गया है यहाँ पे फ्री फायर इंडिया में, एंड जो एक रिमाइंडर है रिमाइंडर के बारे में हम लोग बात करेंगे, एंड लास्ट कैरेक्टर के बारे में। जो टॉप मोस्ट स्पेशल क्वेश्चन था वो है गाइस कि क्या फ्री फायर इंडियन वर्जन से रिवाइवल पॉइंट को हटाया जाएगा, क्योंकि यार ये रिवाइवल पॉइंट हटने के बाद एक फेयर गेम प्ले होगा जो कि काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ाएगा इस गेम में। चलो गाइस ये सभी क्वेश्चन का आंसर देते हैं इस वीडियो में, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड आफ्टर दिस इंट्रो। सबसे पहला क्वेश्चन जो लोगों के मन में आ रहा है यार रूल्स देखने के बाद टाइम लिमिट के बारे में, तो लोगों का ये कहना है यार कि क्या टाइम लिमिट काउंट होगा जब हम लोग लॉबी में खड़े होकर बातें करते रहेंगे दोस्तों से। तो यार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप लोग कोई गेम खेलते हो एंड उस गेम को खेलने का जो टाइम लिमिट है तभी टाइम लिमिट काउंट होगा। अगर आप लोग लॉबी में खड़े होकर ऐसे ही बस चैटिंग कर रहे हो या बातें कर रहे हो तब टाइम लिमिट काउंट नहीं होगा, मतलब टाइम काउंट नहीं होगा, एंड आप लोग स्पेशली आराम से खेल सकते हो, आराम से लॉबी में बात कर सकते हो। एंड जो सेकेंड हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है वो है स्पेंडिंग लिमिट के बारे में। तो स्पेंडिंग लिमिट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मनी स्पेंडिंग लिमिट यहाँ पे भी दो क्राइटेरिया है। अगर आप लोग 18 प्लस हो तो आप लोग के लिए कोई भी लिमिट नहीं है, अगर आप लोग बिलो 18 हो तब आप लोग का रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन वो भी रेस्ट्रिक्शन 7000 तक है। हम लोग तीसरा बात करते हैं टॉक्सिटी रिपोर्टिंग मैकेनिज्म के बारे में। तो अभी गाइस टॉक्सिटी को काफ़ी सीरियसली लिया गया है, एंड आप लोग के आईडी को बैन भी किया जा सकता है अगर आप लोग पाए जाते हो किसी को गाली वगैरह दिए देते हुए, या फिर कोई आपका अगर रिपोर्ट कर दिया टॉक्सिटी के अंदर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं हमारे न्यू कोलैबोरेशन के बारे में। एमएस भाई, माई मीन महेंद्र सिंह धोनी भाई, जो कि है इस फ्री फायर इंडियन वर्जन के कोलैबोरेशन एंड इसके ब्रांड एम्बेसडर। तो यार यहाँ पे कोलैबोरेशन होने के बाद गाइस ये अब फ्री फायर तहलका मचा देगा इंडिया में, एंड इसको लोग काफ़ी सारा खेलने वाले हैं क्योंकि यार हमारे माही भाई गेम में कोलैबोरेट कर चुके हैं। एंड हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एज लिमिट के बारे में। अब एज लिमिट के बारे में अगर हम लोग बात करें गाइस, तो एंड इसमें गाइस एक अगर आप लोग बिलो 18 हो तो आप लोग को 3 आवर पर डे का एक टाइम लिमिट मिलेगा कि आप उतने ही गेम प्ले कर पाओगे, एंड अगर आप लोग एबव 18 हो तब भी 6 घंटे से ज़्यादा नहीं कर पाओगे। एंड गाइस जो हमारा नेक्स्ट है रिमाइंडर के बारे में, अब रिमाइंडर क्या करता है गाइस कि अगर आप लोग 3 आवर है तो ऐसा नहीं कि आप लोग कंटिन्यू खेल पाओगे, अगर 6 आवर है तो ऐसा नहीं कि आप लोग कंटिन्यू खेल पाओगे। जी हाँ गाइस उसमें भी रेस्ट्रिक्शन है गाइस कि आप लोग को बीच बीच में रिमाइंडर दिया जाएगा कि आप गेम बंद कर दो। अगर बाय द वे आप रिमाइंडर के वक्त किसी गेम प्ले के अंदर हो, मतलब कोई गेम खेल रहे हो, तो आपको उस समय रिमाइंडर नहीं आएगा। हाँ, उस गेम को खत्म करने के बाद जब आप लोग लॉबी में वापस आओगे तब आपको रिमाइंडर पॉपअप किया जाएगा कि आप गेम क्विट कर दो कुछ देर के लिए, कुछ देर के बाद खेल लेना। जी हाँ गाइस ये सही है गाइस, ताकि बीच में आपको रेस्ट दिया जाए, क्योंकि ऐसे बंदे काफ़ी हाइपर हो जाते हैं एंड अपने पेरेंट्स के भी बात नहीं मानते हैं। तो जी हाँ गाइस ये फ्री फायर ने काफ़ी अच्छा चेंज किया है, इसके लिए मैं थम्स अप देना चाहूँगा। एंड जो लास्ट है हमारा वो है कैरेक्टर माही भाई। जी हाँ गाइस क्योंकि यार अब माही भाई हमारे इस गेम से कोलैबोरेट कर चुके हैं, इनके कोलैबोरेशन के बाद काफ़ी लोग फ्री फायर में एंट्री लेने वाले हैं, इसी से पता चलता है। तभी मैं बोल रहा था कि ओल्ड प्लेयर काफ़ी सारे वापस आ जाएंगे, क्योंकि यार जिन्होंने फ्री फायर छोड़ा है उनमें से काफ़ी सारे लोग एमएस भाई के फैन जरूर से होंगे। अब जो हमारा लास्ट जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट था इस वीडियो के थंबनेल में भी आपने देखा होगा कि रिवाइवल पॉइंट के बारे में हमने बात किया था कि क्या इस फ्री फायर के इंडियन वर्जन से रिवाइवल पॉइंट रिमूव होगा। तो मेरी तो सजेशन यही है गाइस कि फ्री फायर को अब रिवाइवल पॉइंट हटाना चाहिए, क्योंकि यार इंडिविजुअली फ्री फायर इंडिया से ये नहीं हटेगा, अगर हटेगा तो सारे सर्वर से एक साथ हटेगा, क्योंकि यार इसमें बस एप्लीकेशन अलग हो रहा है, इसमें रेस्ट्रिक्शन के साथ इंडिया में एक सेपरेट एप्लीकेशन बनाया गया है। हाँ, अब इंतजार करते हैं कि कब ये रिवाइवल पॉइंट रिमूव होगा, एंड आप लोग भी कमेंट में बताओ कि क्या आप लोग भी चाहते हो कि रिवाइवल पॉइंट जल्द से रिमूव हो जाए।
गाइजर तो मेरे दोस्त का एक चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप लोग प्लीज़ उस चैनल पे विजिट करो एंड उसको भी सपोर्ट करो ताकि यार हम सभी लोग एक साथ आगे बढ़ सके एंड उसे भी यूट्यूब पे एक मौका दो आगे बढ़ने का। तो चलो गाइज आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए गाइज मिलते हैं अगले वीडियो पे, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।